मतलब मेरी तो मैथ फेल हो गई। कितना टर्नओवर चल रहा है यहाँ पे अपना, कितना डेली प्रोडक्शन है दूध का? हमारा जो है 4,000 लीटर है जी लगभग। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप विप्रो छोड़ के इसमें क्यों घुसे। तो यहाँ पे क्या पब्लिक आ सकती है देखने? बिल्कुल, हर कस्टमर का जो है वेलकम है। राम राम भाइयों, क्या हालचाल। तो आज हम आए हैं बिनसर फार्म पे, ये हरियाणा के अंदर है। और इस फार्म की खासियत ये है कि यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे डेयरी फार्मिंग हो रही है। डेयरी फार्मिंग के साथ यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग भी हो रही है। इनके डेयरी फार्म के अंदर जितने भी दूध निकल रहा है उसके ये कई सारे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन भी बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ की जो मेन मुझे खास चीज लगी वो ये है कि यहाँ पे सारी की सारी टेक्नोलॉजी न्यूजीलैंड से ये लोग इम्पोर्ट करे हैं और सब काम ऑटोमेटेड है। तो ऑटोमेटेड हाई टेक डेयरी फार्मिंग पे आपको आज A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलते हैं फिर फार्म के अंदर। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं दीपक जी से। सर, ऑडियंस के लिए एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं दीपक हूँ और मैं जाटी गाँव से बिलोंग करता हूँ। हमारा ये डेयरी फार्म है, लगभग 500 के आसपास यहाँ पे हमारे पास गायें हैं और हमने इसको पूरा एक साइंटिफिक तरीके से इसको हम चला रहे हैं। जैसा चारा, जैसा फीड गाय को चाहिए है, जितनी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम दे रहे हैं। और एक एंड टू एंड हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दूध को अच्छे ढंग से बनाने से लेके उसको अच्छे ढंग से प्रोसेस करने से, पैक करने से और डायरेक्ट कंज्यूमर तक देने से हम पूरा, हमारा सिस्टम में एक पूरा कंट्रोल है और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वाला अपने आप में एक मिसाल या मॉडल फार्म कह सकते हैं। यहाँ की कई USP हैं। सबसे बड़ी USP ये है कि यहाँ पे लगभग सब चीज़ें ऑटोमेटेड है, चाहे वो चारा बनाने की मशीन हो, काटने की मशीन हो, मिक्सिंग करने की मशीन हो, आपका गोबर उठाने की मशीन हो, दूध निकालने की मशीन हो। तो सब चीज़ें इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे डेवलप हुई हैं। और आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट एंड बिगेस्ट ये हाईटेक डेयरी फार्म है। 2012 में एस्टेब्लिश हुआ है और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे 500 गायें को मैनेज करने के लिए मात्र 10 लोग हैं। और उन 10 लोग में आपका वॉचमैन, डाटा एंट्री करने वाले लोग, दूध निकालने वाले लोग, चारा वाले लोग, मतलब सारे लोग, 500 मतलब 50 गायें पे एक बंदा है। और अक्सर हम जो नॉर्मल डेयरी पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक गाय पे एक बंदा रहता है, पूरा दिन काम करता है। वो सब बात करने से पहले सर, आपका बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैंने BTech करी हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बाद MBA करी अगेन IT में और फिर MNC में जॉब करी। विप्रो मेरी लास्ट कंपनी थी। तो अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करा, अलग अलग स्टेट्स में काम करा, कंट्रीज में काम करा। तो उसके बाद ये देखा कि रूरल डेवलपमेंट के क्या तरीके हैं और अपने लोगों को कैसे हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है हम एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट हम जो है अपने कस्टमर को कैसे दे सकते। तो हमने ये देखा कि अगर ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करा जाए तो डेयरी फार्मिंग एक बहुत अच्छा वेंचर है। अगर उसको ढंग से, उसकी सारी बारीकियां समझ के उसको हम जो है करें तो बहुत अच्छा इसको हम लेके जा सकते हैं। तो सर, जैसे आप बता रहे थे 2012 में आप पहली गायें लेके आए, तो स्टार्टिंग से ही हमारा फोकस हाइब्रिड गायें पे था। तो हम गायें नहीं लेके आए, हमने शुरुआत करी बछिया से। बछिया से, क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एक तरीके से जीरो से चालू। तो हमने बछिया से शुरुआत करी, उसको पालना शुरू करा, देखा कि भाई कर भी नहीं पाएंगे या क्या जो है क्या कर पाएंगे, जरूरत क्या है, रूटीन का डेली है। क्योंकि जैसे ही दूध आता है सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। आपको दूध आएगा तो बेचना ही पड़ेगा जो है, उसके अराउंड सारे सिस्टम भी करने पड़ेंगे। तो हमने बछिया से इसकी शुरुआत करी। अच्छा। और वहाँ से हमने समझा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें जो है और करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ सावधानी रखने की जरूरत, उनको बड़ा करके फिर हम जो है बाद में जो है दूध वाली गायें लाए। तो आप वैसे बता रहे थे कि 2012 के अंदर आप पहली गायें लाए और 2013-14 से आप फिर सेलिंग में आ गए। तो उस टाइम पे आपकी एवरेज डेली प्रोडक्शन क्या चल रही थी, एक गाय कितना दूध दे रही थी? वो तो एक लगा लीजिए शुरुआत थी और उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। एक गाय जो हम शुरू में लाए तो उतनी बढ़िया गाय नहीं मिल पाई, जो कि अक्सर होता है किसी के साथ। नया बंदा तो धोखा है ना, मतलब आप कहाँ से गाय लेने जाते हैं, अच्छी गाय नहीं मिलेंगी और आप जो है किसी और की खराब गाय ले आते हैं। हाँ, वो क्यों बचेगा अच्छी गाय। हाँ, तो ये उसमें थोड़ा सा ये रहा कि कुछ खास प्रोडक्शन आ नहीं पाया। जो हमें प्रोडक्टिविटी मिली वो 10-12 लीटर की मिली।
बट धीरे धीरे हमने अच्छा सीमन यूज करके, इम्पोर्टेड सीमन यूज करके जो है आज एक अच्छी एवरेज तक हम पहुंच गए हैं। तो वो शुरुआत जरूर थी, बट ये था कि शुरुआत में लर्निंग बहुत। आप अभी जैसा बता रहे थे कि अब आपका एवरेज डेली प्रोडक्शन पर गाय 25-30 लीटर के करीब है, और आपके पास कुछ एक आध गाय भी है जो 40-45 लीटर दूध भी दे रही है, तो उसमें वहां से यहाँ की जर्नी के मेन क्या हमारे फैक्टर है? अच्छा सीमन मैनेजमेंट, तो मतलब 45 लीटर कैसे दे रही है आपकी दूध गाय? तो इसमें एक बहुत लंबा टाइम है जो कि ब्रीडिंग में लगाना होता है। ब्रीडिंग क्या है कि साल दर साल आप अच्छा सीमन यूज करोगे, उसके बच्चे अच्छे आएंगे, फिर उस पर आप अच्छा सीमन यूज करके उसके और अच्छे बच्चे आएंगे। नस्ल आपने तैयार करी है। एक तो नस्ल सुधार वाली जो चीज है, टाइम लगता है बट आपको वहां तक जाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका भी नहीं है। दूसरा जो है फीडिंग है, जितनी अच्छी फीडिंग हम उसको देंगे, जितना साइंटिफिकली हम उसको बैलेंस करेंगे, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जितनी अच्छी ग्रोथ होगी काफ से लेके काउ तक, मतलब गाय के बच्चे से लेके और उसके गाय बनने दूध देने तक, उसकी ग्रोथ कैसी है, वेट वजन कैसा है, वो एक बहुत जरूरी चीज़ है। तो लगातार हम उसको जैसे 15 दिन में, महीने में वजन लेते हैं, तो उससे देखते हैं कि भाई उसका जो है वजन ठीक बढ़ रहा है। तो वो जो हमारी जैसे बछिया है लगभग 2 साल में दूध देना शुरू कर दी, ब्याह जाती है। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर मैं कहूँगा कि यहाँ पे हम गाय को जो है अगर ख़राब होगी तो स्ट्रेट अवे नहीं निकाल सकते, तो हमें ऐसी गायें जो है ब्रीड करनी है जो कि लंबे टाइम तक ज़्यादा लैक्टेशन दे, 8 ब्यांत, 9 ब्यांत, 10 ब्यांत तक अच्छा दूध दे, तो वो हमें जो है उस ब्रीड पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमें ये भी देखना है कि दूध के अलावा एक गाय जो है बच्चा देने में कितना टाइम लगाती है, एक बच्चे से दूसरा बच्चा देने में कितना टाइम लगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ लोग दूध को देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि भाई अगली वो प्रेग्नेंट भी होगी फिर बच्चा भी। सही बात है, अगर मतलब 60 लीटर दूध भी दे रही है लेकिन 2 ही साल के लिए दिया, वर्सेस अगर 40 लीटर 45 लीटर दूध दिया और उसने 8 साल के लिए दिया, तो आप ओवरऑल देखो ना कितना ज्यादा आपको मुनाफा है। बिल्कुल, क्योंकि जो हम गायें बछिया जो है पालते हैं वो अपने 3रे साल के बाद जो है अपना मुनाफा वापस देने शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले तो उसकी लागत ही आती है उसको पालने में, उसको जो है बड़ा करने में, जी तो उसके बाद उसकी एक्चुअल वो कीमत अपनी रिटर्न करनी शुरू करती है। तो इसलिए हमें देखना है कि जो हमारे ब्यांत है वो ज़्यादा मिले, और एक ब्यांत से दूसरे ब्यांत के बीच में अंतर जो है कम से कम, आइडियली हम ये कहते हैं कि 12 से 14 महीने के बीच में एक गाय दोबारा उसको बच्चा दे देना चाहिए। अच्छा, वो देट उसका जो लैक्टेशन कर्व है दोबारा शुरू हो। आप जैसा कि इसमें बता रहे थे आपकी ऑन एवरेज 30 लीटर दूध दे रही है, और आप इसे 70 रुपये रिटेल में मार्केट कर रहे हैं, आप घरों तक खुद पहुंचा रहे हैं, हालांकि उसमें थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि हमारा सारा दूध बिक जाए। तो जो 30 लीटर वाली बात है इसमें हमने ग्रुप बना रखे हैं। अच्छा, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, सबकी एवरेज अलग अलग है, अलग अलग 35 वाली भी हैं, 25 से 30 वाली भी हैं, 20 से 25 वाली, तो अलग अलग शेड हैं उसके जो है ब्यांत के हिसाब से कि दूध देते हुए कितने दिन, वो हमने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे हो कि हम 70 रुपये डायरेक्ट जो है कस्टमर को बेचते हैं, तो मैं ये कहूँगा जो है क्वालिटी को हम डायरेक्ट कस्टमर तक लेके जाते हैं, क्योंकि वो घूम के जाएगा तो वो क्वालिटी जो है डिटोरिएट हो जाती है, वो प्रोसेसर के थ्रू जाएगी। हम तो प्रोडक्शन भी यहीं करते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को भी इसको देते हैं, सो दैट कंज्यूमर को हमारे अच्छी से अच्छी क्वालिटी टाइम पर मिल पाए। तो आपका जो ये फार्म टू टेबल मॉडल है, इसमें अभी जो हमारा शाम को दूध निकल रहा है वो कितने घंटे में ग्राहक के या कोई दिल्ली एनसीआर में जो परिवार रह रहा है उसके घर तक पहुंच जाता है? हमारा जो दूध है यहाँ से लगभग 3 बजे फार्म से निकलना शुरू हो जाता है सुबह, अलग अलग, हाँ सुबह अलग अलग रूट बना रखे हैं, और वो रूट के हिसाब से जो हमारा ट्रांसपोर्ट कस्टमर के यहाँ पे चला जाता है। तो उसके लिए आपके पास एक तो आपका 10 लोगों का फार्म का स्टाफ है, उनके ऊपर एक मैनेजर भी है, आपका डिलीवरी का कितना स्टाफ है, सारा इन हाउस है डिलीवरी? तो हमारा उसके बाद जब दूध निकला उसके बाद हमने उसके साथ के साथ ठंडा कर दिया, सो देट उसका बैक्टीरिया ना बढ़े और दूध की गुणवत्ता बनी रहे। पाश्चराइज उसके साथ हमने फिर पाश्चराइज कर दिया, पाश्चराइज करने के साथ हमने बोटलिंग कर दी और पाउच कर दिया, तो जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है हम उसे हिसाब से। तो पाउच में भी है और बोतल देते हैं और बोतल में देते हैं। अच्छा, तो पाउच वाला दूध हमारा कितने का है जी? सेम रेट है, क्योंकि मेहनत तो उतनी लगती, दूध की कीमत उतनी है, पैकेजिंग आप कोई सी भी ले लें, पैकेजिंग डिफरेंस। अगर आप बोतल लेते हैं तो आपको वापस देनी रहती होगी बोतल, रिसाइकलेबल। इसके साथ साथ फिर हम जो है हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें लगभग 8 से 10 लोग काम करते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट में अलग से काम करते अलग से काम उनका क्या रोल रहता है? उनका रोल ये रहता है कि जो है रॉ मिल्क से लेके
और बॉटल्ड मिल्क, और बाकी जो हम दूध दही वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी वो लोग काम करते हैं। तो आप कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? एक हमारे अभी लगभग 15 से 16 प्रोडक्ट हैं। 15-16 प्रोडक्ट हैं। मिल्क के अलावा एक तो मिल्क हो गया बोतल में पाउच में, उसके अलावा हम दही मक्खन घी बटर मिल्क बादाम मिल्क फ्लेवर्ड जो है बटर है इसमें, और 4-5 वैरायटी और हैं जो टाइम टू टाइम हम बनाते रहते हैं। पंजाबी लस्सी है। बादाम का दूध तो हमने आते ही पिया था, हमारा स्वागत उसी से हुआ था और वो पी के मज़ा आ गया। अगर शॉप खुली होगी तो मैं एक आध बोतल भी लेके भी जाऊंगा। खैर, तो आपके पास ये अभी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर तो 10-12 लोग हैं, डिलीवरी के लिए आपके पास कितनी गाड़ी है? लिए हमारे 5-6 रूट डिवाइडेड हैं, अलग अलग गाड़ी गाड़ी है आपके पास, और वहाँ पे फिर हमारे पास हब्स हैं। अच्छा, हब्स पे हमारा जो है दूध चला जाता है, वहाँ से फिर हमारी डिलीवरी टीम है जो कि 100 से 150 बाइकर हैं हमारे पास पूरे दिल्ली NCR में, दिल्ली नोएडा गुड़गांव में हम डायरेक्ट डिलीवर करते हैं। तो ये 500 में से अभी कितनी गाय हैं जो अभी दूध दे रही हैं? हमारी अभी 200 गाय के आसपास, 200 के करीब गायें दूध दे रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ प्रोडक्शन में या प्रोसेसिंग के अंदर ऑटोमेशन नहीं है, इनका लॉजिस्टिक्स डिलीवरी सिस्टम सब ऑटोमेटेड है। आप सिर्फ ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करते ही आपको सारी चीजें खुद ब खुद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चढ़ जाएंगी। आप रोजाना यहाँ पे दूध मंगा सकते हैं टाइम वाइम आप सेट करके। रोहिणी दिल्ली NCR में कितने कस्टमर्स हैं आपके अभी? हमारे जो कस्टमर हैं 6,000-7,000 कस्टमर्स हैं। 7,000 और 20,000 से ज्यादा हमारे पास लिस्टेड कस्टमर हैं। अच्छा, जो कि बीच बीच में किसी को प्रोडक्ट मंगा लिया है, कुछ मंगा लिया, मतलब तो जो है काफी लोग हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट लेते हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई डायरेक्ट फार्म फ्रेश मिल्क हमारे पास आ रहा है। तो 7,000 हमारे डेली सब्सक्राइबर्स हैं जो इनसे डेली दूध ले रहे हैं। इसके अलावा 20,000 टोटल मंथली यूजर्स हैं, यानी कि मंथली ग्राहक हैं। कभी किसी ने कुछ टाइम मंगाया, घी ऑर्डर कर लिया, फिर घी ऑर्डर कर लिया, या कुछ टाइम के लिए कोई बाहर घूमने चला गया या थोड़े टाइम के लिए नहीं लिया, तो कुल मिला के 20,000 महीने के कस्टमर्स हैं जिसमें से 7,000 रोज मंगा रहे हैं। और ऑन एवरेज 1 लीटर दूध पीते हैं लोग आपके यहाँ से मंगा रहे, ऑन एवरेज इतना है। तो इसका अगर हम माने तो 70 × 7,000, मतलब मेरी तो मैथ फेल हो गई, कितना टर्नओवर चल रहा है यहाँ पे? मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है कि आप विप्रो छोड़ के इसमें क्यों घुसे और उसमें आपका ये प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है, और हम हर साल इसको धीरे धीरे एक्सपेंशन भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। जी, आपने जैसे ये बताया 2012 में हमने चालू करा, आपने सबसे पहले ये वाला शेड डाला था, जो फिर आपने सेकंड ये शेड डाला, सेकंड ये शेड डाला, फिर उसके बाद बच्चों का डाला। ठीक है, ये एक शेड जिसकी डायमेंशन 220 फुट है, ये 1 एकड़ का जो हिसाब है 220 फुट बाय ये लगभग 40 फुट चौड़ा, 40 फुट बाय 220 फुट की हमारी एक शेड की, जो फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसमें पंखे हैं वेंटिलेशन के लिए और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए मिस्टर एंड फोगर है। तो इसकी क्या कॉस्टिंग बैठी है जी? ये हमारा खाली शेड तो लगभग हमारा 35 लाख का आया था, बाकी नीचे बनाने में इतना ही पैसा हमारा जो है नीचे बनाने में, उसके बाद फिर ये साइड का हो गया, तो 70-80 लाख के बीच में। आज के टाइम में तो भाई लोहा महंगा हो गया, आज के टाइम पे नहीं बता रहा, ये जब बनाया आज तो करोड़ से ऊपर का सौदा है ये। तो ऐसे 3 शेडो रखे हैं, फिर आपकी इतनी बतेरो मशीन है, मतलब कुल मिला के आई थिंक लैंड को एक्सक्लूड कर दे तो 15-20 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। 12 तो कम से कम है, बाकी हर साल कुछ ना कुछ एडिशन हो ही जाता है। जी जी, और टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, इसके अंदर खर्चे होते हैं दुनिया भर के, लोगों के घर तक पहुंचाने, सैलरी है, कई साल ऐसे भी होंगे आई एम वेरी श्योर जो काटे में गुजारे होंगे और अब जाके रिटर्न आने लगा होगा। फिर भी अभी ऑन एवरेज कितना हमारा परसेंटेज इसमें बच रहा है? बचता तो ऐसे देखा जाए तो हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा, सब जो है लगा देते हैं, सब वापस लग जाता है, तो हम घर कुछ नहीं लेके जाते, इसी को अच्छा बनाने के लिए हम जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं। जी जी, और उसी में जो है पैसा लगता है। आपका देसी गाय पालन पे क्या विचार है? देखो, सारी गायें बढ़िया हैं, कुछ भी हम करें तो सारी चीज अच्छी है जी। बस हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको क्या तरीके से कर रहे हैं, चाहे देसी गायें हैं या हमारी जो है बाहर की गायें हैं, फर्क कुछ नहीं है, है वो भी लाइव स्टॉक है, वो भी जिंदा चीज, फर्क यही है कि हम जो उनको चारा दे रहे हैं क्या वो क्वालिटी वाला है, या उसको हम अच्छा दाना अच्छा कंसंट्रेट दे रहे हैं, मेन चीज वो है, क्या हम उसका दूध जो है अच्छे तरीके से हाइजीन तरीके से निकाल रहे हैं। तो सारी चीज़ अच्छी है, मैं किसी को ख़राब नहीं कहूँगा,
और हम इस गाय को भी कहते हैं ये जो है ये बीमारी पैदा करती है, फलाना करती है। लेकिन हम अगर बाहर की बात करें, फॉरनर कंट्रीज की बात करें, सारी यही गायें हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। तो हम ये कैसे कह देंगे भाई इन गायें से जो है प्रॉब्लम होती है बीमारी। तो मेन चीज़ यही है कि हमारा जो इनपुट है, उनको फोडर है, फीड है, वो कैसा है और उसको हम हार्वेस्ट मतलब दूध कैसे निकाल रहे हैं, कितना हाइजीनिकली हम मेंटेन कर रहे हैं। तो हाँ, लोग बात नहीं करते कि भाई बैक्टीरियल काउंट कितना है इसमें, क्या इसमें एंटीबायोटिक आपने गायों को लगाया है। तो एंटीबायोटिक देसी के भी लगाएंगे, इसके भी लगाएंगे, सेम असर होगा। तो इसमें एक गाय हमारी ऑन एवरेज मतलब जैसे आपकी ये 40 लीटर वाली गाय है, ये कितने रुपए की कोई परचेज करना चाहे आप, क्या वैल्यू है इस गाय की, कोई खरीदना चाहे आप खरीद के लाएं कभी? ये देखो ऐसा है कि लगभग 4,000 से 5,000 रुपए लीटर जो है इनका रेट रहता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लैक्टेशन में खरीद रहे हो। अच्छा, तो लगभग ये 1.5 लाख की गाय मानो जो जर्सी में है हमारी। अच्छा। जर्सी गायें वैसे भी बढ़िया मिलती नहीं। अच्छा। अच्छे से अच्छे फार्म पे हम चले जाएं, गिनी चुनी जर्सी मिलेंगी। तो ये तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करा, मतलब 1.5 लाख की गाय है इनटू 500 गाय कर लो तो बहुत चीजें हैं। चलिए अच्छा, ये सीमन आप बोल रहे थे इनको प्रेग्नेंट कराने के लिए, क्योंकि गाय दूध तभी देगी जब वो प्रेग्नेंट होगी, अपना बच्चा देगी, तो उसके अंदर बुल रखना चाहिए हमें या उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन वाला जो बोलते हैं वो करवाते हैं? अगर वो करवाएं तो आप कहाँ से ला रहे हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है? तरीका तो देखो साइंटिफिकली AI वाला ही बढ़िया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि उसमें जो रिकॉर्ड है उसकी माँ का, उसके बाप का, उसकी बच्चिया का और उसकी अगली बच्चिया का, वो सारा रिकॉर्ड लगभग 3 से 5 जनरेशन का रिकॉर्ड रहता है, मेंटेन होता है। उसमें सारा हमें पता लग जाता है भाई ये जो है प्रोजनी है ये बढ़िया है, उसमें से वो बुल को सिलेक्ट करते हैं, उसका सीमन बनाते हैं और उसमें कोई बीमारी नहीं है वो भी टेस्ट करते हैं। बुल में बीमारी हो सकती है, सारी जो है और गायों को भी बीमार जो है कर सकता है। तो ब्रीड एक तरह से AI से ही अच्छी डेवलप कर सकते हैं। एक एवरेज इनको प्रेग्नेंट कराने का खर्चा क्या आ जाता है? हो सकता है एक बार में हो जाए, हो सकता है दो बार में हो जाए। तो लगभग हमें एक गाय को करने के लिए 1.5 से 2 सीमन जो है लगाने पड़ते हैं। दो तो सीमन का क्या खर्चा आ जाता है? लगभग डिपेंड करता है कि इम्पोर्टेड है तो वो 400 से 500 रुपए का जो है एक सीमन आता है। अच्छा, बट उसकी वैल्यू भी है, फिर वो आगे रिजल्ट देता है। मतलब लोग 20 रुपए वाला 30 रुपए वाला लगवा लेते हैं, बट उसके बीज तो देखो हर चीज में सबसे इम्पोर्टेंट है। बीज अच्छा नहीं होगा तो आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जो है अच्छे से अच्छा सीमन सेलेक्ट करना चाहिए और सारा देख के कि मेरे को कौन सी ब्रीडिंग करनी है, बड़ी गायें बनानी है, छोटी गायें बनानी है, क्रॉस करनी है, वो हमें हमारे हिसाब से एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो एक तो दूध बेचने का रिवेन्यू है, इसके अलावा भी कोई और रिवेन्यू है? जैसे हमने देखा था आप वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे थे या फिर गाय की सेल करते हैं, और क्या क्या तरीके हैं रिवेन्यू जो कोई किसान इस लेवल पे खेती करे वो एडिशनल रिवेन्यू कर सकता है? एडिशनल रिवेन्यू तो पूरा सिस्टम रिसाइकलेबल है। गाय आप अच्छी ब्रीड करके बेच सकते हो, दूध आप अच्छा बना के अच्छे रेट पे बेच सकते हो, अच्छे उसके साथ प्रोडक्ट बना सकते हो, वर्मी कंपोस्ट है वो आप बना सकते हो, पूरा सिस्टम जो है रिसाइकलेबल है, किसी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं। अच्छा, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग आप इसी के साथ में कर रहे हैं, ये भी आप ही के ब्रांडिंग से जा रहा है, तो इसकी कैसी सेल चल रही है, इसका क्या? ये धीरे धीरे मैं कहूँगा लोग अवेयर हो रहे हैं जी, होम गार्डन किचन गार्डन लोग थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं उसमें, तो जो लोग ले रहे हैं वो उसकी वैल्यू को जान रहे हैं कि भाई हम ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कहीं खेत में से जाके पुरानी खाद कैसे लाएं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स करने का, और आप छोटे पैक्स में 1 किलो के 5 किलो के पैक में आप इजीली इसको जो है अपने होम गार्डन किचन गार्डन में अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आपके इतने 20,000 मंथली कस्टमर बेस है, तो उसके अंदर जब आप कोई और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी बिकने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जो लोग प्योरिटी की तरफ जाते हैं वो अपने घर को साफ सुथरा भी रखते हैं, वो अपने घर में कुछ गमले सब्जियां खुद भी उगाते हैं, जो लोग माली रख लेते हैं वो उनसे खाद खरीद लेते हैं, पर इनके कस्टमर जो हैं वो यहाँ से वर्मी कंपोस्ट भी उठा लेते हैं, और क्योंकि इनका लिटरली वर्मी कंपोस्ट इनका जो है वो 10 मीटर दूर है इनके जो गोबर कलेक्शन साइट है, तो वो बहुत ये भी अच्छा गाय का ही है, गाय का ही गोबर है हमारा जी, कोई मिक्स गोबर नहीं है, पूरा जो है गाय का ही हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। हाँ।
कहीं से इधर उधर से नहीं कि भी कुछ और ले आए। तो अभी हम डेयरी के जो फार्म है अंदर उसी के सामने जो रोड है वहाँ पे बाहर ही इन लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया दुकान बना रखी है, उसके अंदर हम जा रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया से यहाँ पे मिल्क बार कर रखा है। एक तो नॉर्मल दूध बेचने की दुकान होती है कि मिल्क बार करके थोड़ा प्रीमियमनेस आ जाती है, इसके अंदर चलते हैं। अंदर से भी बहुत बढ़िया बनी हुई है और प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं कैसे है क्या है। 45 डिग्री में भी अंदर बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, एसी वगैरह लगा रखा है। एक बार आपको कैमरा भी घुमा के दिखाएंगे कि दुकान कितने अच्छे से बना रखी है। सबसे पहले तो गर्मी हो रही है, कुछ पी के देखते हैं यहाँ का दूध कैसा है। तो ये आइसक्रीम वगैरह भी अपनी खुद बना रहे हैं, दूध में भी कई सारे फ्लेवर है, बादाम मिल्क है, बटर मिल्क है और लस्सी वगैरह है, पनीर है, सारे यही बन रहे हैं यहाँ पे, अंदर ही है। पैकेजिंग भी काफी यूनिक है यहाँ पे, पनीर वगैरह सारी अच्छे से टिन के डब्बों में है। और ये भी दूध की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी कांच की बोतल में है, ढक्कन वक्कन सब प्रीमियम लुक दे रहा है। ये बादाम वाला है, इसको पी के देखते हैं। मतलब ऐसे ही अगर रोड के सामने हो तो दुकान से ही काफी अच्छी यहाँ पे सेल हो जाती है, दीदी बता रही है। तो चलते हैं आगे, फिर बॉटलिंग का प्लांट देखते हैं। तो हमारा यहाँ से दूध कलेक्ट होके उधर अपना चिलर मशीन में चला गया। चिलर मशीन से हमारा सीधा यहाँ पे आता है ये पैकेजिंग यूनिट पे। यहाँ के लिए हमारे को अलग चप्पलें पहननी पड़ती है और अलग हाइजीन का ख्याल रखा गया है। पूरी यहाँ पे मक्खियाँ ना घुसे उसके लिए पर्दा है, अंदर पूरा एयर कंडीशनिंग है। आज ये फिर दिखाते हैं अच्छे से आपको बॉटलिंग पैकेजिंग गर्म करके ठंडा करते हैं इसमें। हाँ, जो 16 सेकंड के लिए दूध घूमता है इसमें बस, और 16 सेकंड में दूध घूमता है, उसमें गर्म भी हो जाता है, उसमें ठंडा भी हो जाता है। अच्छा, तुरंत हाथ के साथ। और ये फिर हमारा PMT टैंक में चला जाता है। PMT टैंक से फिर हम जो है इसको पैकिंग के लिए। तो ये हमारा पैस्चराइजेशन वाला यूनिट है, इसमें एकदम से गर्म करके ठंडे की लाइन। फिर आपका TMC यूनिट, PMT टैंक है, मतलब पैस्चराइज मिल्क टैंक। पैस्चराइज मिल्क टैंक PMT टैंक के बाद हमारा पैकिंग यूनिट है। पैकिंग यूनिट में और उसमें फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर से भाई कुछ भी ऐसी चीज़ ना जाए, तो उससे आगे फिर पैकिंग मशीन है, ये बोतल यहाँ रखी जाती है खाली बोतल है, सील लग के फाइनली कोल्ड रूम में चल। अच्छा, तो ये हमारा फिल्टर है कि जो दूध हमारा पैस्चराइज होकर दूध इधर आने आ गया TMC मशीन में, फिर इधर आके हमारा फिल्टर मशीन में आ गया। फिल्टर मशीन के बाद हमारा ये बॉटलिंग यूनिट है जो रात में चलता है, इसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तो इसके अंदर मतलब दूध आप ऑटोमेटिक पैकिंग शैकिंग हो जाएगी सारी, ऑटोमेटिक यहाँ बोतलें खाली बोतलें हम रख देते हैं, ठीक है, दूध अपने आप भरता हुआ आगे निकल जाता है। हाँ, फिर उसकी कैपिंग होती है, सीलिंग होती है। अच्छा जी, तो ये कितना घंटे में कितनी सील कर देता है ये? लगभग हमारी 2000 लीटर पर आवर की फिलिंग होती है। 2000 लीटर एक घंटे में, मतलब 2000 बोतलें एक घंटे में। तो इसके अंदर आपका ये है कि 7000 कस्टमर के लिए आपकी मात्र 3-1 घंटे के अंदर सारी बोतलें ये कर करा के छुट्टी कर देता है, जो अगर हाथ से करना चाहे तो 4 दिन लग जाएंगे, सब टूटी वूटी लग जाएगी तरीके से, और हाथ टच नहीं हुआ एक बार भी इस पूरे प्रोसेस में, कहीं पे भी हाथ टच नहीं हुआ। निकलने से लेके दूध की फिलिंग तक जो है सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है और पूरा हाइजीनिक सिस्टम है, अनटच्ड। तो इन मशीनों की क्या कॉस्टिंग होगी कुछ अंदाजन? ये लगभग हमारा जो है 70-80 लाख का सेटअप है, ये पूरा का पूरा सेटअप है जो आप लेके आ रहे हैं, सो दैट तो आज के टाइम पे ये 1 करोड़ के करीब का सेटअप है सारा। ये तो बॉटलिंग का हो गया, आपने जैसे बोला था आपका दूध पैकेट में भी होता है, ये तो है पैकिंग मशीन जी। इसी तरह जैसे PMT टैंक से हमारा दूध इस बॉटल फिलर मशीन में आ रहा था जी, इसी तरह वहाँ से दूध हमारा ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये ऊपर से आ गया आपका दूध। एक यूनिट है उसमें भी फिल्ट्रेशन होती है, उसमें भी जो है वहाँ से फिर हमारा ये जो है पैकेट में आ जाता है। अच्छा जी, तो ये आपकी ऑटोमेटिक पन्नी वाली मशीन है, इसकी क्या कैपेसिटी है जी? ये भी हमारा जो है लगभग 1500 लीटर से 2000 लीटर पर आवर बन रहा है, वही 1500-2000 लीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये हमारा कोल्ड रूम है, ब्लू स्टार कंपनी का, वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें क्या क्या आप जैसे हम पैक करते हैं, पैकिंग के बाद सीधा हम कोल्ड रूम में ले आते हैं। अच्छा जी, सो दैट हमारी कोल्ड चेन जो है बनी रहेगी।
तो एक बार दूध निकलने के बाद आप 3 डिग्री से 4 डिग्री पे दूध को मेंटेन रखते हैं और वो घर जाने तक कस्टमर के हैं वो उतने पे ही रहेगा, फिर घर पे भी वो अपना फ्रिज में डाल दिया। देखिए लोग बहुत जगह से दूध लेते हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं, हमें यही देखना है कि उसका जो टोटल प्रोसेस है वो कितना कंट्रोल्ड है, वो क्या फार्म से जो है आ रहा है वहाँ पे कितनी हाइजीनिक प्रैक्टिस मेंटेन्ड है, कौन से फार्म पे आ रहा है, किस तरह का फीड एंड फोडर दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे कोल्ड चेन, कैसे उसकी फिलिंग जो है हो रही है और कैसे आपके घर तक आ रहा है, तो दूध के बनने से लेके पैक होने तक और आपके घर तक डिलीवर होने तक पूरी कोल्ड चेन और पूरी हाइजीन जो है मेंटेन होगी। आप तो सारा खुद ही कर रहे हैं? हम सारा एक आपकी तो गाय से लेकर पैकेजिंग प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक्स सब है, सब अपने, और इसीलिए शायद आप इसमें मुनाफा कमा पा रहे हैं। मुनाफे के साथ साथ हमें कस्टमर को एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी भी मेंटेन कर पा रहे हैं। ये आप इस कोल्ड रूम के अंदर जो सब स्टोर करते हैं तो पनीर वगैरह कैसा बनता है आपका, खुद ही है आपके सारे पनीर की घी पनीर जो सारे आइटम थे घी पनीर की वेरिएंट है, अभी हम आपको दूसरी यूनिट पे बना रहे हैं। अच्छा, तो उसकी मशीनें अभी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो सारा सिस्टम दूसरे के लिए होगा। अच्छा, पहले हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में अपना प्लांट चला रहे थे, वहाँ पे सारी जो है मशीनें सारे प्रोडक्ट बना रहे थे, वहाँ से अभी हम यहाँ पे ले गया। तो केसर वाला दूध जो फ्लेवर्ड मिल्क है वो सब आपका दूसरा साइट है? ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की इनकी पूरी पैकेजिंग की यूनिट है, थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं उस तरफ। तो ये इनका पूरा वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है जो पीछे हमने देखी थी केचुआ खाद के लिए बेड्स बना रखी थी, वो यहाँ पे इनकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग की मशीन है जहाँ पे ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है, फिर आपकी यहाँ पैकेजिंग होती है। तो इसी हिसाब से 3-4 जगह डाइवर्सीफाई कर रखा है, और डाइवर्सीफाई करना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर रहेंगे तो उसमें घाटा भी हो सकता है। तो आप 4-5 चीज़ें अगर करते हैं उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है बट आपका उसमें प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है और रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। इसी हिसाब से यहाँ पे नर्सरी भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रखी है, जो ये आते जाते जो इनके ग्राहक हैं क्योंकि ये फार्म बिल्कुल रोड पे है तो उनके लिए ये नर्सरी भी तैयार कर रखे हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से गमले हैं जो हाउस गार्डनिंग के अंदर प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया, पता नहीं दिख पा रहा होगा या नहीं, तो आप देख सकते हैं ये जेड के पौधे हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के मनी प्लांट से लेकर हर चीज। इसी के साथ यहाँ पे आपका वर्मी कम्पोस्ट का भी है। तो आप ये देखिए ना कि जब कोई ग्राहक आ रहा है वो दूध लेता है, वो यहाँ विजिट करने आएगा क्योंकि उसको देखना है कि असलियत में दूध आ रहा नहीं आ रहा, तो वो विजिट करने आ रहा है तो वहाँ से ये केचुआ खाद भी लेके जा रहे हैं बाहर, 10 टाइप के नए प्रोडक्ट ट्राई करके जा रहे हैं घर के लिए या गिफ्टिंग पर्पस के लिए, कुछ हमारी नर्सरी से भी लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने एक्सपेंशन के साथ साथ डाइवर्सीफाई भी किया है। और एक थोड़ा लास्ट सवाल मेरा ये रह गया था, ये जो हमारा न्यूजीलैंड के साथ का पार्टनरशिप है ये मेरे हिसाब से भारत का पहला है और ओनली है, बिल्कुल डेयरी में है इंडिया का पहला कोलैबोरेशन है न्यूजीलैंड के साथ। इजराइल के साथ सुने हैं, स्विट्जरलैंड के साथ सुने हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट लेवल पे है, किसी भी प्राइवेट लेवल पे कोलैबोरेशन जो है डेयरी में वो हमारे ही फार्म के साथ है और लगातार वहाँ से कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट मिलती रहती है। सपोर्ट आपका मतलब उन्होंने इन्वेस्ट भी करा हुआ है पैसे के मामले में और टेक्नोलॉजी भी देते हैं? बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड में तो डेयरी एक प्राइम बिजनेस है जी, वहाँ बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं तो नॉलेज बहुत है, पूरा सिस्टम डेयरी फार्मिंग के अराउंड ही है और वो बहुत बड़े लेवल पे दूध को SMP को एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से जो है वेटनरी डॉक्टर्स आते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी कंसल्टेंट्स आते हैं जो हमें बताते हैं कैसे दूध को इंटरनेशनल पैरामीटर पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे लगातार हम जो है प्रोड्यूस करें और कैसे जो है अपने कस्टमर को सेम क्वालिटी जो है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बना के दें। तो ये बाहर के जो विदेशी डॉक्टर आ रहे हैं ये ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते? महंगे से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि उनकी जो वैल्यू है वो हमारा पैसा बहुत बचा देती है। अच्छा, क्योंकि कोई भी ऐसी टेक्निक है वो हमने एक बार सीखी, टेस्टिंग सीखी या जो है गायों की जो एनिमल हेल्थ प्रैक्टिसेस है वो सीखी, तो पूरा साल दर साल हमें जो है वैल्यू एड करना, वो वन टाइम कॉस्ट है लेकिन उससे जो लर्निंग आती है वो साल दर साल हम उसको यूज करते रहते हैं। तो मतलब लिटरली न्यूजीलैंड से आपके जो साइंटिस्ट या डॉक्टर है वो जहाज पकड़ के यहाँ आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप परसों की बात बता रहे थे। हाँ, अभी आके गए हैं वो, 15-20 दिन पहले आके गए हैं और वो लगातार इंश्योर करते हैं कि भाई हमें इसको एक नॉर्मल डेयरी की तरह ना चला के एक ढंग से ऐसा सिस्टम चलाएं
जो कि अपने आप में जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे और कस्टमर भी हमारे जो है उसको अच्छे से अच्छे क्वालिटी को अप्रिशिएट करें। जी जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि बाहर की कंपनी अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी देती है तो पैसे ऐंठने की कोशिश करती है, बिल्कुल महंगी से महंगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिस्सेदारी भी कर रखी है, हिस्सेदारी भी करी, नॉलेज भी दी, अपने जो पैसा भी डाला उन्होंने अपना भी दी, तो हर तरह का उन्होंने जो है सपोर्ट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही एक ये मॉडल है जिसके अंदर में, हाँ, तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि ये देसी फार्म नहीं है लेकिन ये भी एक फार्म है जो होना चाहिए और आप लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या पब्लिक आ सकती है देखने? बिल्कुल, हर कस्टमर का जो है वेलकम है। जी जी, कोई भी आए, किसी को जो है डेयरी शुरू करनी है, किसी को अच्छी गायें जो है अगर देखनी है वो आ सकता है, किसी को नया डेयरी फार्म शुरू करना है वो आ सकता है, किसी को प्रोसेसिंग समझनी है तो वो आ सकता है। तो वो वर्कशॉप हम कर सकते हैं, बट वो ये है कि प्रॉपर कॉल सेंटर में हमारे जो कस्टमर केयर है वहाँ फोन करके आए। अच्छा, तो एक उस हिसाब से टाइम दे पाए, एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप यहाँ आ सकते हैं। हम भी यहाँ वक्त मांग के आए हैं तभी इन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी खातिरदारी की है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर बिजनेस है, एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, इन्फॉर्म करके आइएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दो ताकि हम जब भी कोई नई ऐसी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।